एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल द लीगल वर्ल्ड मुझे काफ़ी टाइम से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं वो मुझे कह रहे हैं कि सर प्लीज़ सेक्शन टू नाइन्टी नाइन और सेक्शन थ्री हंड्रेड के बीच में डिफरेंस को डिफरेंस के ऊपर वीडियोस बनाएं सो so, हेयर इट इज़ आज का हमारा जो वीडियो है वो बिल्कुल उसी टॉपिक पर है डिफरेंस बिटवीन सेक्शन टू नाइन्टी नाइन एंड थ्री हंड्रेड दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर अंडर आई पी सी तो सबसे पहले तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं चैप्टर सिक्सटीन के अंडर आते हैं ऑफ ऑफेंस इफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी और वी कैन से ऑफेंस इफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ तो ये डिफरेंस देखने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियोज़ देखें अगर आपको वीडियोज़ पसंद आए तो उन्हें लाइक करें और उस पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी तो चलिए देखते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन टू नाइन्टी नाइन एंड थ्री हंड्रेड तो अगर हम देखें बेराक की लैंग्वेज में तो कल्पेबल होमिसाइड कहता है हुए अ काज डैथ बाई डूइंग एन एक्ट विद द विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और वहीं अगर हम मर्डर देखें तो मर्डर कहता है एक्सेप्ट इन द केसेस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज विद इज़ डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ अब भाई दोनों ही जगह वो कहता है दोनों ही जगह इंटेंशन आ गया कल्पेबल होमिसाइड में वो इंटेंशन की बात कर रहा है और डेथ में भी इंटेंशन की मर्डर में भी इंटेंशन की बात कर रहा है तो अब इन दोनों के पीछे डिफरेंस कैसे पता चलेगा तो सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड क्या कहता है कॉज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ मगर अगर अगर हम मर्डर देखते हैं तो इसमें लिखता है एक्सेप्ट इन केस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड मतलब मर्डर के अंदर एक्सेप्शन में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं अगर हम मर्डर के आगे देखेंगे तो एक्सेप्शन दिए हुए हैं या एक्सेप्शन के जो पॉइंट दिए हुए हैं इनके अलावा जो भी मैटर्स होंगे वो मर्डर के अंदर आएंगे मतलब ये जो एक्सेप्शन पॉइंट्स दिए हैं ये कल्पेबल होमिसाइड होगा और इसके अलावा जितने भी मैटर्स होंगे वो किस में आएंगे वो मर्डर में आएंगे लेकिन बात अब भी वही है कि दोनों में इंटेंशन आ रहा है तो मर्डर में भी कई मैटर्स ऐसे हैं कि आप सामने वाले को पूरी नीयत के साथ पूरे इंटेंशन के साथ भी अगर मारते हैं तो भी वो चीज़ कहीं ना कहीं कल्पेबल होमिसाइड में आ जाती है जैसे कि कैसे कौन कौन से मैटर्स होंगे वो मान लीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया आप दोनों के बीच में हाथापाई हो गई आप तो भाई उसको मारना ही चाहते थे ठीक आपके बीच में हाथापाई हो गई और गलती से आपने उसके कहीं पेट वेट में या ऐसे कहीं मार दिया और वो बंदा वहीं मर गया अब भाई आम तौर पे पेट पर पे मारने में तो कोई मरता नहीं है लेकिन हमको ये बात पता नहीं थी कि या तो उसके पेट का ऑपरेशन हुआ था या तो भाई हमने जो मारा उसके पेट पे वो कोई ऐसी जगह लग गया किसी नाजुक अंग पे कि वो तुरंत मर गया क्योंकि मामूली आमतौर पर तो कोई पेट पर मारने में मरता नहीं है तो ये चीज़ कहाँ जाएगी ये कल्पेबल होमसाइड में आ जाएगी आपका इंटेंशन था उसे लड़ने का उसे मारने का लेकिन जब आपने उसे मारा तब आपको ये बात नहीं पता थी कि ऐसे जगह मारूंगा तो ये मर जाएगा आपने तो आ, उसे ऐसे मार दिया पेट पे मुक्का लेकिन आपको ये बात क्या नहीं पता थी कि मैं उसे पेट पे मारूंगा तो वो मर जाएगा और वहीं अगर हम मर्डर का देखें आपको पहले से पता थी कि भाई उसके पेट का ऑपरेशन हुआ है और मैं उसे पेट पर मारूँगा तो वो मर भी सकता है आपने उठाया और घूसा मार दिया उसके पेट पर वो वहीं मर गया यहाँ आपको कन्फर्म था कि उस आदमी के पेट को ऑपरेशन हुआ और मैं उसे मारूँगा तो वो मर जाएगा या फिर हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका एक्सेप्शन ने दिया है मान लीजिए जो हमने सामने वाले को मारा है वो सडन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में मारा है मतलब उसने अचानक से ऐसी कोई हरकत कर दिया हमें ऐसा कुछ बोल दिया जिससे हमें अचानक से गुस्सा आ गया और हमने फर्स्ट रिएक्शन में सीधा उठाया और उसके पेट में चाकू घुसा दिया या उस, उसको डंडा मार दिया या कुछ कर दिया जिससे वो मर गया मतलब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में तुरंत जो बिना कुछ सोचे समझे उसने कुछ ऐसा कुछ ऐसा बोला कुछ ऐसा किया कि हमारा हमने बिना कुछ सोचे समझे सीधे उसे उठाया और मार दिया ये चीज़ भी कल्पेबल होमिसाइड में आएगी क्योंकि ये कैसे हुआ है ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में हुआ मतलब उसने हमें प्रवोक किया ऐसा करने के लिए उसने हमें गुस्सा दिलाया जिसकी जिसकी वजह से हमने उसे मार दिया तो ये चीज़ कायम आएगी ये कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आएगी ऐसे ही अगर इसका अगला एक्सेप्शन देखें तो वहाँ पर प्राइवेट डिफेंस की बात आ जाती है मान लीजिए कोई सामने वाला व्यक्ति है वो मुझे मारने के लिए आ रहा है मेरे सामने खड़ा और कुछ हथियार लेके मुझे मारने के लिए आ रहा है मेरी तरफ और मेरे पास गन है और मैंने गन उठाई और उठा के उसके सर पे गोली मार दी भाई वो बंदा मेरी तरफ आ रहा था डंडा या चाकू ऐसा कुछ ले मैं उसके हाथ या पैर पर पे भी गोली मार सकता था जिससे या तो वहीं रुक जाए या उसके हाथ में जो तो चीज़ है वो गिर जाए मैं प्राइवेट डिफेंस वहाँ यूज़ कर सकता था लेकिन एक लिमिट तक कितने लिमिट तक उसे रोकने की लिमिट तक लेकिन मैंने क्या किया मैंने तो सीधे गन उठाई और उसे जान से मार दिया ये मैंने क्या किया ये मैंने अपने प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस को एक्सीड कर दिया मुझे प्राइवेट डिफेंस कहाँ तक मिला था यहाँ पे कि भाई मैं उसे रोक लूँ कि मैं उससे अप, अपने आप को मारने से रोक लूँ लेकिन मैंने तो उसी को जान से मार दिया तो यहाँ मैंने क्या किया यहाँ मैंने अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर गया तो ये चीज़ भी मर्डर के अंदर नहीं आएगी हमारा इंटेंशन था भले ही लेकिन ये चीज़ भी मर्डर के अंदर ना नहीं आएगी ये आएगी कल्पेबल होमिसाइड के अंदर भले ही हमारा इंटेंशन था लेकिन तब भी ये मर्डर नहीं होगा और ये एक्सेप्शन में आ जाता है सेक्शन थ्री हंड्रेड के अंदर या फिर हम एक एग्जाम्पल इसका ये भी देख सकते हैं मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट है कोई पुलिस वाला है वो किसी अपराधी को पकड़ने के लिए गया है और वो उस अपराधी को पकड़ने के चक्कर में उसने गलती से उसके गले पे कहीं ऐसे हाथ पड़ गया या कहीं ऐसी जगह उसने उसको मार दिया पकड़ने के चक्कर में कि वो वहीं पे मर गया मान लीजिए उसका पक गला वाला दबाया होगा पकड़ने के लिए गला कुछ ज़्यादा दब गया और वो वहीं मर गया तो ऐसे में भी ये मर्डर के अंदर नहीं आएगा ये चीज़ कहाँ ये चीज़ कहाँ आएगी ये कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आएगी इसी वजह से दोनों पॉइंट्स में टू टू नाइन्टी नाइन और थ्री हंड्रेड में इंटेंशन की बात की गई है क्योंकि कई बार इंटेंशन के होते हुए होते हुए भी वो एक्ट मर्डर के अंदर ना आके कल्पेबल होमिसाइड में आ जाता है और लोग यहीं पर धोखा कहा जाते हैं कि भाई यहाँ तो इंटेंशन दिया हुआ है मतलब ये तो मर्डर में आएगा लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं मर्डर के अंदर जो उसमें इंटेंशन के होते हुए भी वो मर्डर ना होकर कल्पेबल होमिसाइड हो जाते हैं जिसमें हमने डायरेक्टली किसी को मारना नहीं चाह था मतलब हमारा इंटेंशन था हाँ कि मर जाए लेकिन हमने तुरंत उसे मार डायरेक्टली उसे मारना नहीं चाहा कुछ सडनली ऐसा कुछ हो गया या ऐसा सडनली हाँ सडनली ऐसा कुछ हो गया या हमें ऐसा कुछ करना पड़ा जिससे वो सामने वाला मर गया अब अगर हम इस इनके अगले पॉइंट्स देखें तो वो वो कहते हैं विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ ये है टू और 300 कहता है इफ़ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन टू हुम द हार्म इज कॉज्ड टू नाइन्टी नाइन क्या कह रहा है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी टू लाइकली टू कॉज डेथ मतलब ऐसी बॉडीली इंजरी देना जिससे मौत हो सकती है सामने वाला मर सकता है लेकिन थ्री हंड्रेड क्या कहता है इफ़ द इफ इट इज़ डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ एज द ऑफेंडर नोज टू लाइकली टू कॉज डेथ थ्री हंड्रेड में मर्डर के अंदर जो मारने वाला है उसे साफ साफ ये बात पता है कि अगर मैं इसे मारूंगा इस तरह से इस जगह पर या किसी तरह से तो ये मर जाएगा लेकिन टू नाइन्टी नाइन क्या लिखा है लाइकली टू कॉज डेथ अगर मारूंगा तो शायद मर सकता है इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं भाई कि मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है दोनों दो व्यक्ति हैं दोनों के बीच में हाथापाई हो गई एक ने उठाया डंडा और उठा के सर पर मार दिया ठीक अब भाई हो सकता है कि भाई सर पे ज़्यादा लग जाए और वो आदमी मर जाए कुछ भी हो सकता है या तो ज़्यादा नहीं लगी हो कमी लगी हो बच जाए कोमा में चले जाए या बेहोश हो जाए या फिर अगर ज़्यादा लग गई हो तो मर जाए इसमें क्या आ गया लाइकली टू कॉज डेथ मर भी सकता है और नहीं भी मर सकता है लेकिन अगर मर्डर की बात करें तो मर्डर क्या कहता है ऑफेंडर नोस टू बी लाइकली टू कॉज डेथ ऑफेंडर को ये बात साफ साफ पता है कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो ये मर जाएगा ऑफेंडर सामने वाले के ऑफेंडर के और जो सामने वाला व्यक्ति उन दोनों की जो लड़ाई हुई ऑफेंडर ने उठाया चाकू और सीधे उसके सीने में घुसा दिया ऐसे में क्या भाई उसे पक्का पता है कि यहीं मर जाएगा थोड़ी देर में सीने में चाकू घुसा दिया मैंने नहीं अभी यहीं मर जाएगा कोई शक या गुंजाइश नहीं है कि बच जाए सर पे डंडा मारा तो चलो बच भी सकता था लेकिन यहाँ तो सीधे चाकू घुसा दिया क्या है मरना पक्का है मतलब क्या टू नाइन्टी नाइन में शक है कि शायद ही मरे कुछ पक्का नहीं है मरेगा कि नहीं मरेगा ऐसे ऐसा काम करने से लेकिन थ्री हंड्रेड में क्या है पक्का है ऐसा करोगे तो मर ही जाएगा ऑफेंडर को ये बात पता होती है कि मेरा ऐसे एक्ट से या ऐसे किसी काम से जो सामने वाला है जिससे मैं मारने वाला हूँ वो मर ही जाएगा टू नाइन्टी नाइन में ऐसा नहीं पता होता या फिर देखिए मैंने इसके पहले एग्जाम्पल लिया था जिसमें एक आदमी ने दूसरे के पेट में मुक्का मार दिया था अब सेम वैसे ही भाई कल्फे वालों में साइड में एग्जाम्पल दे लो हमें नहीं पता था कि उसके पेट का ऑपरेशन हुआ है मैं उसको मारूंगा मुक्का तो ये मर जाएगा क्या मान लो मैंने मार दिया मुक्का और किसी नाजुक जगह पे लग गया वो मर गया अब भाई मुझे नहीं पता था कि मैं उसको मारूंगा वो मर जाएगा कि नहीं मरेगा लेकिन अगर मैं उस मर्डर में अगर मैं उसके पेट में चाकू घुसा देता हूँ तो ये बात पक्का है मैं उसको चाकू से मार रहा हूँ तो वो मर ही जाएगा ठीक अब हम देखते हैं इसका अगला पॉइंट जो कि है और विद द नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ कमिट्स दैट ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड ये है कल्पे टू नाइनटी नाइन टू नाइन्टी नाइन में क्या कहता है विद द नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली बाय सच एक्ट टू काज डैथ यहाँ पर भी वही वर्ड आ गया लाइकली और अगर हम मर्डर में देखें इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज़ सो डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रॉबल केसेज कॉज डैथ ऑफ सच पर्सन और कॉज सच बॉडीली इंजरीट इज देट इट इज़ लाइकली टू काज डैथ ऑफ डैथ पर्सन and commit such act without the excuse for injuring the risk of causing death of such injured person or for it मतलब यहाँ पर ये यह क्या कह रहा है कि भाई सामने वाला व्यक्ति जो मार रहा है उसे ये बात पूरी तरह से पता है उसके नॉलेज में है कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा इस तरह से मारूँगा तो सामने वाला मर जाएगा लेकिन टू नाइन्टी नाइन में फिर से वही वर्ड आ गया था लाइकली मतलब नॉलेज है हमें लेकिन हमें ये बात कन्फर्म नहीं है कि ऐसा कुछ करने से वो व्यक्ति सही में मरेगा सामने वाला कि नहीं मरेगा एक एग्ज़ाम्पल इसका और ले लेते हैं थोड़ा अलग तरीके का एग्ज़ाम्पल लेते हैं मान लीजिए एक कोई है व्यक्ति उसने उसको सड़क पे गड्ढा खोदने का काम मिला था मान लीजिए एक ए नाम का व्यक्ति है वो शूटिंग रेंज में गया है जहाँ शूटिंग रेंज होती है ना जहाँ लोग गोली चलाने की प्रैक्टिस करते हैं वहाँ गया और वो वहाँ जाके गोली चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है और शूटिंग रेंज के जस्ट पीछे किसी का घर है मतलब थोड़ी सी दूरी पर लोगों के घर बने हुए हैं अब भाई मान लीजिए उसने गोली चलाई वो वहाँ से मिस हो गई और वो पीछे जाके उस जो व्यक्ति एक खड़ा हुआ था बाहर अपने घर के गाड़ी वाड़ी पर और उसे जाके वो गोली लग गई तो ऐसे में उस व्यक्ति का इंटेंशन तो नहीं था उसे मारने का लेकिन उसे इस बात की नॉलेज थी कि भाई अगर इधर से गोली मिस हो गई मुझसे तो वो पीछे जाके कहीं लग भी सकती है किसी को वहीं अगर हम मर्डर का ले लें मर्डर में भाई गया शूटिंग एक आदमी गया ए नाम का शूटिंग रेंज में उसे पता था ये इसके पीछे एक व्यक्ति है उसका घर है और वो उसे मारना चाहता है उसने उठाई गन वो जो एम लगाने का रहता है डार्ट उसको तो छोड़ा पीछे उस व्यक्ति के घर पे उसी को उसने गोली मार दी यहाँ तो उसे पूरा नौ, पूरा नॉलेज था कि हाँ भाई मैं उसे सीधे उसी को गोली मार रहा हूँ पक्का है उसी को जाके लगेगी लेकिन टू नाइन्टी नाइन में नहीं था उसे ऐसा पता था कि भाई अगर यहाँ से मिस हो गई तो उस पीछे किसी ना किसी को जाके लग सकती है या फिर एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं भाई मान लीजिए किसी ने किसी घर पे काम चल रहा था ऊपर थर्ड फ्लोर पे काम चल रहा है ऊपर से सामान या तो नीचे उतर रहा था कुछ और अब गलती से रस्सी वस्सी टूट गई नीचे से कोई जा रहा था वो रस् वो सामान उसके ऊपर गिर गया अब भैया सामने वाले का इंटेंशन तो था नहीं कि सामान गिरा के उसको मारने का लेकिन उसे ये बात पता थी कि अगर गलती से ऊपर से कुछ गिर गया और नीचे किसी पे गिर गया तो वो मर भी सकता है या उसको चोट गहरी चोट भी आ सकती थी यहाँ पे उसको इस बात का नॉलेज था कि अगर ऊपर से मेरा सामान जो मैं नीचे उतार रहा हूँ वो अगर गलती से छूट गया गिर गया तो नीचे किसी को गहरी चोट भी आ सकती है और ज़्यादा लग गई तो वो मर भी सकता है यहाँ क्या था उसे नॉलेज था मगर इंटेंशन नहीं था और वहीं अगर हम मर्डर में देखें थ्री हंड्रेड में एक व्यक्ति ने जानबूझ के ऊपर से कुछ सामान फेंक दिया किसी के ऊपर ताकि वो मर जाए यहाँ उसका इंटेंशन भी था और नॉलेज भी था कि भाई मैं जानबूझ के सामान फेंक रहा हूँ मुझे पता है ये नीचे जाके गिरेगा तो उसको चोट भी लग सकती है गहरी और इतनी गहरी भी लग सकती है कि वो मर जाए अभी जो टू नाइनटी एंड और थ्री हंड्रेड एंड कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच का डिफरेंस है ये दो पॉइंट्स पर और देखा जाता है एक तो हमने जो उसमें पढ़ा है कि विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ टू नाइन्टी नाइन में और थ्री हंड्रेड में अगर आपका बेयर एक्ट है तो इसका थ, थ्री हंड्रेड का थर्ड पॉइंट कहता है इफ इट इज़ डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडिली इंजरी टू एनी पर्सन एंड द बॉडी बॉडली इंजरी इंटेंटेडेड टू बी इन्फ्लेक्टेड इफ सफिशेंट इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ मतलब मान लीजिए टू नाइनटी नाइन का पहले एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको किसी ने डंडे से या बैट से मार दिया या पत्थर मार दिया अब भाई आमतौर पर डंडे बैट डंडे से मारने से पत्थर से मारने से बैट से ईंट से इन सब से मारने से कोई मरता तो है नहीं लेकिन मान लीजिए इससे किसी ऐसी जगह पे पड़ गया कि हाँ भी सामने वाले की मौत हो सकती है लेकिन प्राइमा फेसी इसमें क्या बनता है सा इस ऐसे किसी की मौत होती नहीं है प्राइमा फेसी इसी में ये यही रहा है कि ऐसे किसी की मौत होती नहीं मगर हो सकती है अगर सही जगह पर पड़ गया कहीं सर भर पर पढ़ के ऐसे किसी जगह पर पड़ गया नाजुक जगह पर तो हो सकती है लेकिन अगर थ्री हंड्रेड का हम ये थर्ड पॉइंट देखें तो ये कहता है कि किसी ऐसी जगह पे मारना जहाँ ऑर्डनरी कोर्स में नेचुरल तरीके से किसी की मौत हो ही जाएगी मतलब मैंने उठाया चाकू या तलवार और किसी के गले पे चला दिया तो भाई ऑर्डररी हम देखें हम किसी के गले पे तलवार मारेंगे चाकू मारेंगे तो वो मर ही जाएगा जिंदा नहीं बचेगा वो उसका गला कटेगा वो तुरंत मर जाएगा तो यहाँ प्राइम ऑफ ही क्या बनता है यहाँ ऑर्डरी ऑर्डनरी क्या बनता है कि भाई कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो सामने वाला मर ही जाएगा तो ये दोनों चीज़ें हमेशा देखी जाती है हर केस में कि भाई प्राइमा फैसी इस चीज़ को देख के क्या बन रहा है कि ऑर्डिनरी ये आदमी ऐसे एक्ट से मर सकता था कि नहीं मर सकता था जब भी कोई मर्डर का केस आता है तो सबसे पहले यही पॉइंट देखा जाता है कि जो एक्ट ऑफेंडर ने जिस तरह से उसे मारने की कोशिश करी है जिस तरह से मारा है इस तरह से क्या सामने वाला मर जाता पहले ही बार में या थोड़ा टाइम लगता उसे मरने में या प्रायमा फैसी ऐसा कुछ बन रहा था उसमें कि सामने वाला पहले ही बार में मर जाए मतलब ऐसा है इस तरह से मारा था उसने कि नहीं मारा था मतलब ये देखा जाता है कि ऑर्डनरी केस में जिस तरह से उसने उसे मारा था मान लीजिए डंडे से मारा था तो अगर मैं बोलूं कि मैंने किसी को डंडे से मारा और वो मर गया तो ऑर्डिनरी ऐसा होता नहीं कि भाई आप किसी को डंडे से मारोगे और वो मर ही जाएगा लेकिन अगर किसी को तलवार से मारूंगा तो आप भाई मैं बोलूँ मैंने किसी को तलवार से मार दिया तो आपके सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि वो मर गया हो तो यही चीज़ देखी जाती है कि मतलब आपका पूरे तरह से इंटेंशन था उसको मारने का तभी आपने तलवार से मारा अगर आपका पूरा इंटेंशन नहीं होता मतलब टू नाइनटीन में पूरा मेरा पूरा इंटेंशन नहीं था इसलिए मैंने काय से मारा मैंने डंडे से मारा अब एक केस देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें डिफरेंस सेक्शन टू नाइन्टीन और सेक्शन थ्री हंड्रेड का डिफरेंस बताया गया था वो था आर वर्सेस गोविंदा का केस जिसमें बेसिकली इन दोनों सेक्शंस के बीच का डिफरेंस बताया गया और यही दो जो दो जो मेन पॉइंट्स हैं एक तो मर्डर का थर्ड पॉइंट और ये बॉडीली इंजरी वाला जो पॉइंट है विद द इंटेंशन ऑफ सच कॉजिंग सच बॉडिल इंजरी विदिंग लाइकली टू कॉज डेथ वाला पॉइंट सबसे पहले ये दो ही पॉइंट देखे जाते हैं इसमें सबसे पहले अगर कहीं डिफरेंस करना होता है मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का तो सबसे पहले यही दो पॉइंट देखे जाते हैं बाकी पॉइंट्स को बाद में नज़र दिखाई देखी जाती है कि ये वाले भी कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे तो हमने कौन कौन से तीन पॉइंट्स देखे सेक्शन टू नाइनटी और थ्रीटी के डिफरेंस में सबसे पहला तो विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ हुए डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ ये था टू नाइंटी नाइन का और थ्री हंड्रेड का क्या था एक्सेप्ट इन द केसेज हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर मतलब दोनों में इंटेंशन तो आ रहा है लेकिन मर्डर में जो कुछ एक्सेप्शन दिए हैं इंटेंशन के उनको उन वो कल्पेबल होमिसाइड होमिसाइड में आ जाएंगे उन एक्सेप्शन्स को छोड़ के जो भी मैटर्स होते हैं वो मर्डर के अंदर आएंगे ये था हमारा सबसे पहला डिफरेंस दूसरा था विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी विच इज विच इज लाइकली टू कॉज डेथ मतलब ऐसी बॉडीली इंजरी देना जिससे सामने वाले को या तो बहुत गहरी चोट आ जाएगी उसके शरीर पे या फिर उसकी मौत भी हो सकती है लेकिन 300 क्या कहता है ऐसी बॉडीली इंजरी देना जिससे सामने वाला मर ही जाए मतलब ऐसी बॉडीली इंजरी देना जिसमें गहरी चोट आना तो छोड़ो वो सीधा मर ही जाए ये पक्की बात है ये था हमारा दूसरा डिफरेंस और तीसरा क्या था और विद द नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली बाय सच एक्ट कॉज डेथ मतलब जो एक्ट वो कर रहा है उससे शायद किसी की या सामने वाले की मौत भी हो सकती है मतलब भाई उसके दिमाग में ये चीज़ तो थी कि मैं जो काम कर रहा हूँ मतलब उसे कहीं ना कहीं शक था अपने दिमाग में कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इससे सामने वाला कोई व्यक्ति है वो मर भी सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मर जाए शायद मर सकता है लेकिन थ्री हंड्रेड क्या कहता है कि हमें इस बात की पूरी नॉलेज है कि हमारे ऐसे काम करने से ऐसा कुछ करने से सामने वाला मर ही जाएगा पूरा नॉलेज है पूरा कंप्लीट इंटेंशन है सामने वाले को मारने का मतलब क्या मान लीजिए एक आदमी है जो कि बहुत खराब तरीके से गाड़ी चलाता है बहुत तेज़ बहुत राश गाड़ी चलाता है तो भाई ऐसे में ये बात जो उसके साथ बैठा है या उसको खुद को भी पता है कि भाई अगर कहीं एक्सीडेंट एक हो गया तो मेरे साथ जो व्यक्ति बैठा है वो मर भी सकता है यहाँ उसे इस बात की नॉलेज है लेकिन उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं इसको मार ही दूँ जान से उसके हैबिट में है तेज़ गाड़ी चलाना और उसको इस बात की नॉलेज है कि अगर कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया मैं इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा हूँ अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो मैं और मेरे साथ जो बैठा है ये मर भी सकता है मतलब उसको इस बात का नॉलेज है लेकिन मारने का इंटेंशन नहीं है और वहीं अगर हम थ्री हंड्रेड में देखें एक व्यक्ति है जो कि एक भरी हुई रोड पे मतलब फुल भरी हुई रोड है गली में और वहाँ बहुत तेज गाड़ी चला रहा है तो भाई अगर कोई मान लो एकदम से सामने आ गया तो वो मर मरी जाएगा जैसे एकदम से कोई बहुत तेज़ गाड़ी चला के निकलता तो हम बोलते हैं न कि सलाइ ये तो आगे जाके किसी ना किसी को ठोक देगा तो यही दो यही डिफरेंस है दोनों के बीच में अगर कोई खाली रोड पर गाड़ी चला रहा है तो हम ये कह बहुत तेज़ से हमें कह सकते हैं कि भाई कहीं आगे आगे जाके ठुक वुक ना जाएगी मतलब पक्का नहीं है कहीं रैश ड्राइव कहीं ठुक गया तो मर भी सकता है लेकिन अगर भरी हुई रोड पर चला रहा है तो ये बात पक्की है कि भाई आगे जाके कहीं ना कहीं ना किसी के किसी ना किसी को जाके ठोक देगा और मार देगा यही डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में कि भाई खाली रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो भाई ठीक है शायद ही कोई मरे या शायद ही कोई इस गलती से सामने आ गया तो मर जाएगा पक्का नहीं है लेकिन भीड़ वाली रोड पर चला रहे हो तो कोई ना कोई तो ठोक ही जाएगा किसी ना किसी को तो हार्म पहुँचा ही दोगे तुम तो ये है इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस और ये था हमारा टू नाइन्टी और थ्री हंड्रेड के बीच का मेन डिफरेंस यानी कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच का डिफरेंस तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें इस पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू